वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आ गई हूँ मैसूर और अब जाने वाले हैं बेलूर टेम्पल। और नाइट की ट्रेन थी हमारी, तो मैं इतना कैप्चर करना नहीं हुआ ट्रेन की जर्नी। और 10 बजे हम मैसूर आ गए हैं सुबह के, और हमको ये रूम दिया गया है। देखिए यहाँ पे मेरे सामान भी बिखरे पड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना है और नीचे भी जाना है ब्रेकफास्ट करने। और क्योंकि मैं टेम्पल जा रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर पहना है, और उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, वो सब मैं वीडियो में बताऊँगी, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। और आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी मेरे ट्रिप की प्लानिंग। वैसे मैंने प्लानिंग तो कुछ नहीं की थी, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा था जिसका नाम है स्वदेशी ट्रैवलर्स, जो कि हर एक ट्रैवल को ऑर्गेनाइज करता है। तो मैंने इनके साथ अपनी कूर्ग एंड चिकमंगलूर की ट्रिप को बुकिंग की थी 10 डेज पहले ही। तो चलिए, अब तो मैं मैसूर जंक्शन आ चुकी हूँ, इसके बाद क्या क्या होता है ये सब वीडियो में देखा जाएगा। हम पहले मैसूर जंक्शन से होटल को जाएंगे, वहाँ पे हम फ्रेश होंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट बेलूर टेम्पल। अगर आपको भी किसी ट्रिप की प्लानिंग करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे इनका पेज चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम स्वदेशी ट्रैवल। मैसूर जंक्शन में उतरने बाद हमारे ट्रैवलर्स ने हमको प्रोवाइड की है एक टेम्पो, इसमें बैठ के हम जाएंगे होटल को जहाँ पे हम फ्रेश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पहुंच चुकी होटल को, और होटल कुछ इस तरह दिख रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब नीट भी था और सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, एकोमोडेशन एंड ऑल। तो देखिए, मुझे ये रूम दिया गया है और ये रहा मिनी टीवी और ये रही मैं। तो चलिए जल्दी फटाफट से फ्रेश होते हैं और निकलते हैं बेलूर टेम्पल के लिए। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने बाद मैं निकल पड़ती हूँ मैसूर से बेलूर टेम्पल के लिए। और बेलूर टेम्पल मैसूर से 3 घंटे की दूरी पर है, तो 3 घंटे हमको सफ़र करना होगा, उसके बाद हमें भगवान के दर्शन होंगे। घंटे सफ़र करने बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने लाइटली खाना खाया था जो कि दाल चावल, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ से वहाँ, तो मुझे लाइटली खाना पसंद है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी बेलूर टेम्पल, जिसको चिन्नकेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। दूर से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ये टेम्पल बिल्कुल मार्केट प्लेस के बीच में स्थापित है, तो आपको यहाँ पे कई सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको स्नैक्स और वाटर बॉटल्स भी इजीली अवेलेबल होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे होयसला किंग्स के 3 जनरेशन्स ने इस मंदिर को बनाया है, और इसे बनाने में लगभग 103 साल लगे हैं। अब ये मंदिर कर्नाटक के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइट को दर्शाता है, और कर्नाटक में ये वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल स्पॉट है, जिससे कर्नाटक का टूरिज़्म बहुत ही पॉपुलर हो गया है। और बात किया जाए इस मंदिर की विशेषता को, वो तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे दीवारों पे स्कल्पचर्स है जो भी कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल को दर्शाते हैं।
फ्रेंड्स देखिए, ये है बेलूर टेम्पल जिसे चेन्नकेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। और यहाँ का आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं YouTube पे ही ऐसे देखती थी ऐसे टेम्पल्स, और पहली बार ऐसे देख रही हो। और आप ये कार्विंग्स देख सकते हो मेरे पीछे, कितने मस्त लग रहे। और ओल्ड कर्नाटका लैंग्वेज में इस पर कुछ लिखा गया है, यहाँ के गाइड्स बोल रहे हैं ऐसा। और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है ये तो। और सनसेट भी हो रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है सनसेट का भी। वाह, टोटली फुल टू डिवोशनल एक्सपीरियंस करना है आपको तो आप ज़रूर आइएगा इधर। अगर आप कर्नाटका के नज़दीक हो, यहाँ बैंगलोर में रहते हो, तो आप आ सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और वीकेंड पे तो नज़दीक ही होगा बैंगलोर को, तो आप एक दिन में आके सुबह से शाम तक यहाँ पर स्टे करके जा सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। फ्रेंड्स दर्शन हो चुके हैं अंदर। आपको इस मंदिर में दो प्रतिमाएं दिखेंगी, एक हमारे विष्णु भगवान हैं और लक्ष्मी माता है। और दो भी मंदिर में हमको कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर का सब आर्किटेक्चर मैंने कवर किया है जितना भी हो सकता है, वो सब मैं वीडियो में डाल रही हूँ, आप देख लेना। बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और क्योंकि मैं ट्रैवलर्स के साथ आई हूँ तो लिमिटेड टाइम है, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ। 30-40 मिनट्स ही यहाँ पे रहने को हमको टाइम मिला है, मैं वापस जा रही हूँ। मगर मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम पीसफुल। और हम जहाँ पे मंदिर देखते हैं ना, वो ऐसे लाइक कवर्ड होता है, लेकिन ये अंडर द स्काई है, ऐसे है, तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये मुख्य मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है। और मूर्ति को कवर करना हमें अलाउड नहीं है, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ। फिर से यहाँ पे बस में मैं जाऊँगी, फिर वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ होंगे वो भी बताऊँगी। सो डे वन में तो हमने आज बेलूर टेम्पल कवर किया है, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोटिंग प्राइजेस जो कि हमारे ट्रैवलर में इंक्लूड नहीं है। वाटर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट स्पीड बोटिंग कर रही हूँ मैं, आप पता नहीं इसके बाद व्लॉग्स निकाल पाऊँगी या नहीं।
थैंक यू शिवा ब्रो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, ఇక్కడ నించండి మీరు వచ్చి ఎట్లా రాట్లే లేదు అని లేదు మా రైట్గా చూడు వీడియో 1 2 3 స్టార్ట్. तो फ्रेंड्स वाटर राइड के बाद कुछ शाम हो गई है, रात हो गई है एक्चुअली, और इसके बाद हम आए हैं रेस्टोरेंट पे, खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे. बहुत भूख लग रही है क्योंकि आज दिन भर में मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि बस में ज़्यादा ट्रैवल था ना, तो मुझे होता नहीं है, मतलब बस में ट्रैवल करती हूँ तो खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि उल्टी टाइप होती है मुझे, वॉमिटिंग टाइप. तो अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट में, आपको बताती हूँ. सो ग्लास हाउस रेस्टोरेंट है ये, इसका व्यू देख लीजिए, काफ़ी सही लग रहा है, मगर मुझे नहीं पता यहाँ पे टेस्ट कैसा होगा क्योंकि सुबह से मुझे ब्रेकफास्ट भी किया था, वहाँ पे भी कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, पूरा ऑयली ऑयली फूड था. तो देखते हैं अंदर जाके, पता नहीं. फ्रेंड्स वाटर राइड्स में सबसे ज़्यादा मुझे बनाना राइड अच्छा लगा, मतलब अच्छा नहीं, थोड़ा एक्साइटिंग था क्योंकि मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और पहली बार मैंने ऐसा राइड किया है बनाना राइड, और बाकी सब भी अच्छे थे तो वर्थ इट तो था. ओके, अगर आपको पानी से ज़्यादा डर है तो मत ही जाना, मगर आपको वो लाइफ सेविंग जैकेट भी दी जाती है तो कुछ नहीं होगा, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था. आप देखना वीडियो में सब कुछ. चलो ट्रैवल से कुछ तो सही काम किया, थोड़ा अच्छा वाला स्टे भी दिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, हमें पार्सल आए तो खा लेंगे, और जिस एक्चुअल स्टे जहाँ पे हम रात में रहेंगे, और सुबह सुबह हमको फोटो क्लब तक खाया जाएगा, और वहाँ से कहाँ जाएंगे ये तो सस्पेंस रहेगा हमारे लिए भी, तो जाकर हम बताते हैं आपको. अभी मैं डिनर करती हूँ, बहुत भूख लग रही है. मगर फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लाइटिंग एंड ऑल. दिस इज आवर स्टे इन चिकमंगलूर. तो डे वन कंप्लीट हो गया है, अभी डिनर करके सोना ही बाकी है, और थोड़ा टायर्डनेस तो सुबह से थी, अभी नहीं है मुझे. वाटर राइड्स करने बाद पूरी थकान चली गई मेरी, तो कल देखते कल क्या होगा, तो देखते रहिए. रात में अभी हम स्टे पे हैं ना, डिनर तो हो चुका है हम लोगों का,
और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी कैंप फायर भी चला था, वो हो गया है, उसके बाद में म्यूजिक भी था, वो भी एंजॉय किए सब लोग। और उसके बाद सब लोग अभी खेल रहे हैं, कोई सो नहीं रहा रहा हमें यहाँ पे, सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं।